In today's class, we are going to proceed with our next exercise, that is exercise 7.2. The concept of this exercise is, basically this exercise is based on our next method, that is substitution method. देखो जो substitution method होता है, जो आपका substitution method होता है, इसको apply करने के हमारे पास सबसे पहला जो method होता है वो ये होता है कि हमें क्या देखना होता है कि जो भी आपके पास given function है इसको आपने इंटीग्रेट करना है, क्या उसमें किसी पर्टिकुलर फंक्शन का यानी कि एक फंक्शन का क्या दूसरा फंक्शन डेरिवेटिव है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर आप देखो कि जो एक्स स्क्वायर है, अगर मैं एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करता हूँ, तो इट विल बी इक्वल टू 2x। इट मीन्स कैन आई से दैट अगर मैं 1 बाय एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करूंगा तो 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। तो सब्स्टिट्यूशन का मेथड का जो सबसे पहला जो फर्स्ट पे होता है वो यही होता है कि अगर जो भी आपके पास गिवन फंक्शन है अगर उसमें एक फंक्शन दूसरे फंक्शन का सब्स्टिट्यूट है या डेरिवेटिव है देन वी कैन डायरेक्टली अप्लाई द सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब जरूरी नहीं है, अब क्वेश्चन ये बनता है कि क्या हम इसमें फर्स्ट मेथड अप्लाई कर सकते हैं, तो देखो आप इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। फर्स्ट मेथड में हम क्या करते हैं उसको पहले एडिशन या सब्ट्रैक्शन में सिंप्लीफाई करके कन्वर्ट करते हैं। जो भी गिवन फंक्शन होता है उसको हम कोशिश करते हैं, वी ट्राई टू सिंप्लीफाई इट एंड कन्वर्ट इट इनटू एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब आप इसको ना एडिशन में कन्वर्ट कर सकते हो ना सब्ट्रैक्शन में, तो फर्स्ट मेथड यहाँ पर आपका फेल हो जाता है और डायरेक्टली आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते। वी विल अप्लाई दैट, क्योंकि क्वेश्चन में जब आप फाइनली जब पूरा ये चैप्टर कम्प्लीट हो जाएगा तो आपके पास वेरियस मेथड होंगे इंटीग्रेट करने के। तो पहले आप शुरुआत कैसे करोगे, पहले फर्स्ट मेथड देखोगे क्या उससे मैं कर सकता हूँ, चलो जी फर्स्ट मेथड ही लगेगा। फिर आप सब्स्टिट्यूशन पे जाओगे, फिर आप थर्ड मेथड ट्राई करो, इस तरह से होता है। तो मैंने आपको बताया भी था कि अगर 5 और मैक्सिमम 6 मेथड्स होते हैं उसमें किसी ना किसी मेथड पर आपका ये आपका क्वेश्चन कोई भी इंटीग्रेशन का हो जाता है, पर ऑर्डर इसी तरह से देखा जाता है, डायरेक्टली नहीं हो रहा। तो आप सब्स्टिट्यूशन देखो, आप सब्स्टिट्यूशन के लिए आपको क्या देखना है, जैसे मैंने आपको बताया कि क्या एक पर्टिकुलर फंक्शन दूसरे का डेरिवेटिव है। तो जैसे आप यहाँ पर देखो कि यहाँ ये फंक्शन जो है, ये जो 2x है वो इसका डेरिवेटिव है, तो वी कैन अप्लाई द सब्स्टिट्यूशन मेथड हियर। ठीक है, सो व्हाट वी विल डू हियर, कैसे करना होता है, प्रेजेंटेशन क्या होती है इन क्वेश्चंस को करने की। तो जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अप्लाई द सब्स्टिट्यूशन। कैसे अप्लाई करोगे, आपने लिखा पुट 1 प्लस x स्क्वायर, पुट 1 प्लस x स्क्वायर इक्वल टू, पुट 1 प्लस x स्क्वायर इक्वल टू टी, देन नेक्स्ट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो 1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट, 1 तो कांस्टेंट है ये तो 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा 2x, और टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है dt/dx, राइट। और जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे व्हाट वी हैव टू इंटीग्रेट, वी हैव टू इंटीग्रेट 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx। तो व्हाइल इंटीग्रेट, तो जब आपने सब्स्टिट्यूशन में देखा, देखो 2x dx ये डिवाइड है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना 2x dx = dt। तो व्हाइल अप्लाइंग दिस सब्स्टिट्यूशन, अब मैं अगर इस सब्स्टिट्यूशन को इस क्वेश्चन में अप्लाई करता हूँ व्हाट आई विल गेट, इन प्लेस ऑफ 2x dx आई विल राइट dt, सो इट विल बी इक्वल टू dt, और 1 प्लस x स्क्वायर आपका है t, और आपको पता 1/t का डेरिवेटिव क्या होता है log t, तो इट विल बी इक्वल टू log t प्लस c। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t, दैट इज log 1 प्लस x स्क्वायर प्लस c। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इज इट क्लियर, कैसे करना है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। भाई एक बार सेकंड वाले स्टेप से बताना दोबारा। सेकंड वाला स्टेप देखो मैंने आपको क्या समझाया है, मैंने आपको ये समझाया कि तो मेन चीज जो आपको समझनी है वो ये समझनी है कि सबसे पहले देखो जो फर्स्ट वे होता है वो क्या होता है। फर्स्ट वे ये होता है कि जो आपको गिवन फंक्शन है, जो आपका गिवन फंक्शन है उसमें क्या कोई एक फंक्शन दूसरे का डेरिवेटिव है। तो आपने देखा कि भैया ये जो 2x है वो 1 प्लस x स्क्वायर का डेरिवेटिव है, ये बात समझ में आ रही है कि ये जो 2x है 1 प्लस x स्क्वायर का क्या डेरिवेटिव है। फर्स्ट मेथड तो यहाँ पर नहीं लगेगा क्योंकि इसको मैं सिंप्लीफाई करके एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकता, फर्स्ट मेथड मेरा फेल हो गया। तो सेकंड मेथड होगा सब्स्टिट्यूशन, उसके लिए सबसे पहला वे जो होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बेसिकली क्या देखते हैं,
हाँ बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आपको दिखाई दे रहा है कि हाँ मेरे को डेरिवेटिव तो नहीं है, पर सिंपलीफाई करके वो डेरिवेटिव बन सकता है, तो हम उसको उसके उसके लिए जाते हैं। पर यहाँ पर तो डायरेक्टली आपको दिखाई दे रहा है कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, तो जिसका डेरिवेटिव है 2x, किसका डेरिवेटिव है 1 + x² का, तो जिसका डेरिवेटिव है आप उसको उसको लोगे आप टी, उसको आप पुट करोगे दैट इट इज इक्वल टू टी, फिर आपने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या आपका यहाँ पर डी एक्स है तो आपने एक्स के रिस्पेक्ट में करा, अगर डी वाई होता तो आप यहाँ पर वाई के रिस्पेक्ट में करते, ये क्लियर है। कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव करूंगा 0 आएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव किया तो 2x आ गया, टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूंगा, जैसे वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स होता है डी वाई बाई डी एक्स, तो वैसे टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा डी टी बाई टी एक्स, ये चीज समझ में आ रही है, इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये हो गया 2x dx इक्वल टू 2x dx, डिवाइड है यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 2x dx इक्वल टू dt, इज इट क्लियर? 2x dx इक्वल टू dt, क्लियर हो गया सारा? तो जैसे आपका 2x, अब आपने ये जो भी आपका सब्स्टिट्यूशन आपने ये बनाया है यहाँ पर, ये सारा आपने इस इंटीग्रेशन में पुट किया, तो देखो 2x dx की वैल्यू क्या हो जाएगी दैट इज dt, और 1 + x² किसके इक्वल होगा आपका t, तो ये हो गया 1/t, 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है इंटीग्रेशन, ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन भाई साथ में अभी हुआ नहीं है, अब इंटीग्रेशन किया आपने, तो ये हो जाएगा लॉग टी प्लस सी, क्या हो जाएगा ये आपका लॉग टी प्लस सी, तो लॉग टी प्लस सी क्या हो जाएगा लॉग, अब टी की वैल्यू एक्स की फॉर्म में इंटीग्रेशन था तो एक्स में आपको आंसर देना है, तो टी की वैल्यू क्या है 1 + x² वी विल पुट दिस वैल्यू एंड दिस विल बी द फाइनल आंसर, इज इट क्लियर नाउ? ठीक है, ओके लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। Now the next part is we have to integrate log x whole square by x dx, right? अब अगर आप यहां ध्यान से देखो तो आपको पता है लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करता हूँ, बाय अप्लाइड सब्स्टिट्यूशन हियर व्हाट इट विल बी, पुट लॉग एक्स इक्वल टू टी, अब लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1/x, मीन्स पहले आप लिखोगे इस तरह से जैसे मैंने आपको बताया एग्जाम में प्रेजेंटेशन एक एक स्टेप की होती है, तो बहुत ध्यान से करना है आपको, डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा 1/x, टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा dt/dx, तो देखो 1/x dx विल बी इक्वल टू dt, तो बेसिकली dx/x कैन आई से दैट इट इज इक्वल टू dt, dx/x इक्वल टू dt, वट वी विल हैव इट विल बी इक्वल टू लॉग एक्स, लॉग एक्स को आपने क्या लिया टी, तो ये हो गया आपका टी स्क्वायर, और dx/dx क्या हो गया आपका dt, अब टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा t³/3, 2+1/2+1+c, वट इज द वैल्यू ऑफ टी, वैल्यू ऑफ टी इज लॉग एक्स, तो ये हो गया लॉग एक्स रेस टू पावर 3/3+c, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इफ इट्स क्लियर देन थम्स अप, इफ यू हैव एनी डाउट देन रेज योर हैंड। क्लियर है सबको? ओके लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1/(x+x)log(x), सॉल्यूशन ऑफ थर्ड पार्ट, अब यहां देखो आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी कैन डू, देखो आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है 1/(x+x)log(x dx), कैन आई राइट इट एज 1/, मैं यहाँ से x कॉमन ले सकता हूँ, राइट, विद इन ब्रैकेट आई विल हैव 1+log(x dx), राइट, नाउ आई कैन अप्लाई द सब्स्टिट्यूशन हियर, हाउ, आपको पता log x का जो डेरिवेटिव होगा वो 1/(x dx) होगा, मींस वंस वी अप्लाइड सब्स्टिट्यूशन हियर व्हाट इट विल बी, पुट 1+
log x equal to t. Differentiate with respect to x. Log x, देखो वन तो कॉन्स्टेंट है, जीरो हो जाएगा. log x का डेरिवेटिव होगा आपका वन बाय एक्स. t with respect to x, that is dt by dx. तो क्या नहीं से दैट वन बाय एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी. वन बाय एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी. तो इट कैन बी रिटर्न एज इट विल बी इक्वल टू, तो वन बाय एक्स डी एक्स तो ये हो गया डी टी. और वन प्लस लॉग एक्स आपका क्या था, टी. ये आपका किसके इक्वल था, टी के. देन dt by t. अब dt by t क्या होता है आपका, log t plus c. what is the value of t, log. value of t is 1 plus log x. 1 plus log x plus c. this is the answer of this question. okay, is it clear भैया? इसमें हमने 1 by x को क्यों लिया, t. 1 by x को क्यों लिया, मतलब समझ नहीं आ रहा भैया. भाई log x का डेरिवेटिव क्या होता है, अबे बात log x का डेरिवेटिव क्या होता है बताओ मुझे. 1 by x. तो 1 by x ये, और t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, t by dx. तो आप बताओ ना, 1 by log x, इसको आपने t लिया है, तो जो इसका डेरिवेटिव करने के बाद आपको बचा क्या आपके पास, अगर या तो पूरा का पूरा इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में होता है या पूरा का पूरा इंटीग्रेशन t में होता है. x और t दोनों अलग अलग वेरिएबल्स में तो होगा नहीं, या तो आप इस सारे को t में कन्वर्ट करो या सारा का सारा x में हो. तो 1 by x dx का 1 by x dx की वैल्यू हो गई आपकी dt. तो ये जो 1 by x dx वाला पोर्शन है ये बन गया आपका dt. और 1 plus log x को आपने t लिया था, ये आपका t है. तो सारा आपका t में कन्वर्ट, जब तक वो सारा t में कन्वर्ट नहीं होगा आप इंटीग्रेट कैसे कर दोगे मुझे बताओ. और आप इस पर डायरेक्टली इंटीग्रेट इसको कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपको पता है जो डिनोमिनेटर होता है वो तो सेपरेट होता ही नहीं है कभी भी. तो फर्स्ट मेथड आपका वैसे ही फेल हो गया. कि दूसरा ऑप्शन ये था कि क्या मैं इस पर सब्स्टिट्यूशन लगा सकता हूँ, दूसरा मेथड. अब इसको देखिए तो नहीं लगा मुझे कि लगा सकता हूँ. मैंने इसको यहाँ से एक्स कॉमन लिया, जैसे मैंने एक्स कॉमन लिया तो मुझे समझ में आ गया कि लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स होगा, इसका सब्स्टिट्यूशन है मेरे पास. जैसे मुझे दिखाई दिया कि इस इंटीग्रेशन में एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरा एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरा फंक्शन है, मैंने सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर दिया. यहाँ डायरेक्टली मैं नहीं ला सकती, x log x का डेरिवेटिव 1 by x तो होगा नहीं, और ये तो सेपरेट भी नहीं होगा. समझ में आया, फिर बीच में प्लस है. अब आपने x कॉमन ही सेपरेट हो सकता है, तो बेसिकली अब ये है क्या, ये आपका ये 1 by x into 1 upon 1 plus log x. ये अभी आपका फंक्शन जिसमें 1 plus log x जो है ये आपका एक फंक्शन है, इसका जो डेरिवेटिव है 1 by x ये दूसरा फंक्शन है आपका. इसका एक का डेरिवेटिव दूसरा मुझे मिल गया, तो मैंने सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर दिया. अब हुआ क्लियर है, दोबारा समझाओ कंडीशन समझो. पहले फर्स्ट मेथड अप्लाई किया, फर्स्ट मेथड तो उसमें लगेगा ही नहीं. यहाँ फर्स्ट मेथड लगेगा तो मैं फर्स्ट मेथड बता दूंगा आपको कि हाँ ये फर्स्ट मेथड से भी हो सकता है, क्योंकि एग्जाम में कोई मेथड का नेम नहीं लिखा हुआ आएगा. और ये भी बता रहा हूँ कि आगे जाके जब आप एक लेवल पर पहुंचोगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि एक क्वेश्चन को करने में आप दो या तीन मेथड डिफरेंट मेथड से उसको कर सकते हो, और हर मेथड को डिफरेंटली अप्लाई करने पर आंसर भी डिफरेंट आता है इंटीग्रेशन में. ये भी बताया तो यू विल नॉट गेट द सेम आंसर, बट सारे आंसर्स आपके ठीक होंगे अगर आपने उसको ढंग से अप्लाई किया है. इतना समझ में आया आपको? चलो मैं अब आगे, ठीक है, ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, एंड द क्वेश्चन इज वी हैव टू फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ sin x, sin within bracket cos x, sin x, sin within bracket cos x dx, cos x dx. ये आपका क्वेश्चन. और क्या नहीं सर, देखो यहाँ पर आपको पता है sin x का डेरिवेटिव cos x होता है और cos x का डेरिवेटिव sin x होता है, ये चीज समझ में आ रही है. लेकिन अगर मैं sin x को t लेता हूँ, देखो अगर मैं यहाँ पर sin x को t लेता हूँ, ध्यान से देखें, तो इसका डेरिवेटिव होगा cos x dx dt. अब cos x जो है यहाँ पर वो एक साइन, ये जो फंक्शन है इसका एंगल है, dx तो पूरे के साथ है, समझ में आ रहा है आपको? तो आप इसको इस तरह से तो अप्लाई नहीं कर सकते. तो व्हाट आई कैन डू हियर, मैं cos x को t ले सकता हूँ,
व्हाट आई कैन डू हियर, मैं कॉस एक्स को क्या ले सकता हूँ टी, मैंने क्या किया पुट कॉस एक्स इक्वल टू टी, कॉस एक्स को आपने क्या लिया टी, जैसे आपने कॉस एक्स को टी लिया देन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपका माइनस साइन एक्स, और टी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स. कैन आई से दैट साइन एक्स, ये देखो जो रेड जो मैं आपको ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ साइन एक्स डी एक्स, मैं इसकी वैल्यू यहां से निकाल सकता हूँ. व्हाट आई कैन डू हियर साइन एक्स डी एक्स, तो साइन एक्स डी एक्स किसके इक्वल होगा आपका माइनस डी टी, साइन एक्स डी एक्स किसके इक्वल होगा आपका माइनस डी टी के. ओके नाउ आफ्टर अप्लाइंग दिस सब्स्टिट्यूशन व्हाट वी विल हैव, साइन एक्स डी एक्स तो ये हो गया साइन, कॉस एक्स को हमने लिया था टी तो ये हो गया साइन टी, तो साइन एक्स डी एक्स हो गया माइनस डी टी, तो माइनस को मैंने साइन ऑफ इंटीग्रेशन से बाहर रखा और साइन एक्स डी एक्स की जगह मैंने रखा डी टी. अब साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका माइनस कॉस टी, तो ये हो गया माइनस कॉस टी, तो प्लस में क्या हो जाएगा सी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस कॉस टी प्लस सी. अब इंटीग्रेशन एक्स में था तो आंसर भी आपको एक्स में देना है, तो टी की वैल्यू क्या है आपकी कॉस एक्स, इट विल बी इक्वल टू कॉस विद इन ब्रैकेट कॉस एक्स प्लस सी, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. इज इट क्लियर? नाउ इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इट. बोलो कुछ पूछना है? क्लियर है भैया? क्लियर हो गया, अब आ रहा है समझ में? तो क्या रूल बताया? अच्छा ये समझ में आया क्यों साइन एक्स मैं नहीं अप्लाई कर सकता, क्योंकि अगर मैं साइन एक्स के साथ जाता यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर साइन एक्स के साथ जाता तो देखो ये क्या होता, ये आपका हो जाता cos x dx इक्वल टू dt. अब cos x यहाँ पर एक अलग सेपरेट फंक्शन है, वो इसका एक एंगल है और एंगल सिर्फ cos x है, cos x dx नहीं है, इसीलिए मैंने इसको sin x इक्वल टू t में नहीं ले सकता. इज इट क्लियर? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर. ओके वो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. इंटीग्रेट साइन विद इन ब्रैकेट ए एक्स प्लस बी कॉस विद इन ब्रैकेट ए एक्स प्लस बी, सो वी हैव टू इंटीग्रेट साइन विद इन ब्रैकेट ए एक्स प्लस बी कॉस विद इन ब्रैकेट ए एक्स प्लस बी डी एक्स. ओके जब आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करोगे तो देखो आपको पता साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है और कॉस का डेरिवेटिव साइन होता है, तो आप किसी में भी सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हो अगर आप इसके हिसाब से जाओगे, ठीक है. बट यहाँ पर आप देखो अगर मैं यहाँ पर उसको टू से मल्टीप्लाई कर दूँ, मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, मैं अगर इसको टू से मल्टीप्लाई कर दूँ और टू से डिवाइड कर दूँ तो ये क्या हो गया, ये हो गया टू साइन ए कॉस ए, बताओ किसके इक्वल होता है? टू साइन ए कॉस ए, टू साइन ए कॉस ए किसके इक्वल होता है? साइन टू ए. किसके इक्वल होता है? साइन टू है. तो क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ, इट विल बी इक्वल टू वन बाय टू साइन टू ए, ये क्या हो गया आपका ए एक्स प्लस बी, राइट, साइन टू ए एक्स प्लस बी, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको, और ये हो गया आपका डी एक्स, ठीक है, यहाँ तक सारी बात समझ में आ रही है, ठीक है. अब यहाँ पर देखो आप कि इसमें कौन किसका सब्स्टिट्यूशन है, यहाँ पर आपके पास क्या है, देखो यहाँ पर आपके पास ये ए एक्स है और ये आपके यहाँ डी एक्स है, तो अगर मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन लगाता हूँ, देखो अगर मैं इस पोर्शन का सब्स्टिट्यूशन लगाता हूँ, ध्यान से देखना, पुट टू ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी, व्हाट वी विल हैव, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे ये हो जाएगा टू, तो देखो कॉन्स्टेंट है एज इट इज रहेगा, ए एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा ए, और बी कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव होगा जीरो, तो ये यहां से आपके पास आ गया टू ए, और इक्वल टू में क्या हो गया ये डी टी बाई डी एक्स, डी टी बाई डी एक्स. कैन आई से दैट दैट टू इंटू डी एक्स, टू इंटू डी एक्स इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास डी टी बाई ए. अब अगर ये सारे की सारा सब्स्टिट्यूशन जो है मैं इसको यहाँ पर अप्लाई करता हूँ, तो व्हाट आई विल हैव, वन बाय टू राइट साइन
टू ए एक्स प्लस बी, टू विद इन ब्रैकेट ए एक्स प्लस बी, टू विद इन ब्रैकेट ए एक्स प्लस बी, इसको आपने लिया था टी जो मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ, टू विद इन ब्रैकेट ए एक्स प्लस बी टू, तो ये हो गया आपका साइन टी, साइन टी। उसके बाद डी एक्स की वैल्यू क्या आई है, इवन इसको आप ऐसे ना लिखिए, इसको आप ऐसे लिखो, डी एक्स इज इक्वल टू, आपके पास सिर्फ आपको सिर्फ डी एक्स की वैल्यू आपने यहाँ से निकाली, तो यहाँ से डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी डी टी बाई टू, डी एक्स ओनली डी एक्स, डी एक्स विल बी इक्वल टू डी टी बाई टू, तो डी एक्स की जगह आ जाएगा डी टी बाय टू, तो ये आ गया आपका टू, तो ये हो गया वन बाय टू इंटू टू है, ये हो गया वन बाय फोर है, और साइन टी का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे इट विल बी माइनस कॉस टी प्लस, तो जो आपका फाइनल आंसर आएगा, जो आपका फाइनल आंसर आएगा व्हाट इट विल बी, दैट इट विल बी इक्वल टू माइनस वन बाय फोर ए कॉस, इन प्लेस ऑफ टी व्हाट वी विल राइट टू विद इन ब्रैकेट ए एक्स प्लस बी एंड प्लस, this is the final answer of this question. Now if you have any doubt you can ask. Yes bhaiya, but agar wo tum isko directly integrate karte to bhi ho jata, agar aap directly isko integrate karte jaise ki aapka ye hai ki maine kaha sin, nahi nahi niche wale step se liya t, to ye kya ho jayega cos ax plus b, फिर ए एक्स का क्या होता है आपका ए, टी का क्या होता है डी टी बाई डी एक्स, राइट, तो कॉस ए एक्स प्लस बी, कॉस ए एक्स प्लस बी, कॉस ए एक्स प्लस बी, और इसके साथ ये हो जाता है आपका डी एक्स, ये इक्वल टू में क्या हो जाता है डी टी बाई ए, राइट, डीटी बाय, अब ये जो आपका फंक्शन है आपका तो गिवन फंक्शन है आपका वो ये था, ठीक है, अब जब आप इस पे इसको अप्लाई करते तो आप क्या कहते हैं साइन ए एक्स प्लस बी तो आपका टी था, तो ये हो गया आपका टी, कॉस ए एक्स प्लस बी को आपने क्या, इसकी क्या वैल्यू आई है कॉस ए एक्स प्लस डी एक्स की डी टी बाय, तो ये हो जाता वन बाय ए, साइन एक्स प्लस बी की जगह क्या हो जाता है टी, और ये हो जाता आपका डी टी, अब ये क्या हो जाता वन बाय ए, टी की जगह क्या हो जाता है टी स्क्वायर बाय टू, तो प्लस में क्या हो जाता है सी, ये भी समझ में आ रही है, तो ये हो जाता है वन बाय टू ए टी स्क्वायर, टी स्क्वायर क्या है आपका, ये हो जाता है साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी प्लस सी, और ये आपका फाइनल, अब देखो आपने अलग में वे में इसको ट्राई किया आपका अलग आंसर है, आंसर दोनों ही ठीक है, अब आपके ऊपर आप कैसे करना चाहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसे नहीं कर सकते, आपने कहा करते, मैंने कहा बिल्कुल भाई हो जाएगा, मैंने करके दिखा दिया कि वैसे करोगे तो ये ऐसे आएगा आंसर, वैसे करोगे तो वैसे, मैंने दोनों मेथड से बता, जनरली क्या होता है कि जब आपको सेम एंगल दिखाई देते हैं, जब आपको वंस यू सी द सेम एंगल, जब आपको सेम एंगल दिखाई देते हैं लाइक ये साइन ए कॉस ए, तो आपके माइंड में क्या आता है भाई टू साइन ए कॉस ए साइन टू ए, तो आप इसको टू से मल्टीप्लाई करते हो, टू से डिवाइड करते हो, फिर आपने इसको सब्स्टिट्यूशन किया, जो आपको इजी लगे वैसे आप कर सकते हो, देखो ये तो आप ये नहीं कि ऐसा हो जाता जैसे आपने मुझे कहा, वो नहीं करना, आपको वो अप्लाई करके देखना है, जब आप खुद भी घर पे प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस टास्क से वो आपको मिलेगा, तब आप इसको करोगे, तब आपके माइंड में कुछ हो रहेगा तो वो भी ट्राई करो, जितना अपने दिमाग को खोलोगे उतना इंटीग्रेशन आपको समझ में आएगा, उतना ही आपको बहुत ईजी लगना शुरू होगा, यानी उतना ही आप इसको ग्रैप कर पाओगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके ब्रेन को प्रोसेस करना, आपको लग रहा है लग नहीं रहा करके देखो, क्योंकि जब करोगे कहीं फंसोगे तब समझ में आएगा, हाँ यार ये इसमें नहीं हो रहा है, इसमें क्या दिक्कत आ रही है वो भी समझ में आएगा, फिर अपने आप ही समझना शुरू कर दोगे, चलो मैं आगे कह रहे हैं, ठीक है, ओके लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सिक्स, वी हैव टू इंटीग्रेट रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी, देखो अब ये आपका डायरेक्ट मेथड से भी हो सकता है, फर्स्ट मेथड से भी हो सकता है, क्योंकि डायरेक्टली ये जो है आपका, ये आपका है ए एक्स प्लस बी रेस टू पावर वन बाय टू, और अगर आपको याद हो तो ऐसा सेम आपका क्वेश्चन ही आपका फर्स्ट एक्सरसाइज में भी था भाई, ये आपकी एक्स की पावर एन होगी, एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन हो जाएगा, और ए एक्स का इंटीग्रेशन अपॉन में ए हो जाएगा, राइट, बट सब्स्टिट्यूशन से कैसे करेंगे क्वेश्चन ये है, तो सब्स्टिट्यूशन में आप क्या करोगे, देखो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, देखो
एक्स प्लस बी, इसको आपने टी के इक्वल कर दिया राइट, तो ये हो गया ए, एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा डी एक्स इक्वल टू में क्या हो जाएगा डी टी। अब आपको वैल्यू करनी है, अब ये कैसे हो गया मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर मैं, क्योंकि आदत बनी होती है ना फटाफट करने की एग्जाम में, आपको कैसे करना है इसके बाद लिखना डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर मैं किसी स्टेप में नहीं लिख रहा हूँ पर ऐसे नहीं आप भी छोड़ दो, मैं कोशिश करूंगा कि स्किप ना हो। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो देखो ए, ए एक्स का हो गया ए, कॉन्स्टेंट जीरो है, टी का क्या हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। अब यहाँ पे सिर्फ डी एक्स है तो डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी डी एक्स विल बी इक्वल टू डी टी बाई ए। अब यहाँ पर पुट करो, जब आप यहाँ पर इस वैल्यू को पुट करोगे बट यू विल हैव, तो ये हो जाएगा आपका देखो ए एक्स प्लस बी तो हो गया आपका टी, इसको आपने टी लिया था, रेस टू पावर क्या हो गया वन बाई टू डी एक्स, डी एक्स की वैल्यू होगी डी टी बाय ए, जो बाय ए वो कॉन्स्टेंट है वन बाय ए को आपने भरा। ये चीज समझ में आ रही है, इज इट क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है ठीक है। अब देखो ये हो गया एक्स रेस टू पावर एन, एक्स रेस टू पावर एन तो ये किसके इक्वल होगा वन बाय ए एक्स रेस टू पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, तो ये हो गया वन बाय ए टी रेस टू पावर हाफ प्लस वन, ये हो गया थ्री बाय टू अपॉन थ्री बाय टू प्लस सी, तो व्हाट इट विल बी फाइनली जब आप फाइनल आंसर लिखोगे तो वो क्या होगा देखो थ्री बाय टू को रेसिप्रोकेट करोगे इट विल बी व्हाट इट विल बी टू बाय थ्री ए, इट विल बी इक्वल टू टू बाय थ्री ए एंड वैल्यू ऑफ टी इज ए एक्स प्लस बी रेस टू पावर थ्री बाय टू और प्लस में क्या हो जाएगा सी एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? नाउ इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। बोलो भाई पूछना कुछ क्लियर है? सिंपल सा क्वेश्चन था, अब ये मैं आपको पहले क्लियर कर दिया, ये डायरेक्ट मेथड से भी हो जाएगा आपका एग्जाम में आएगा तो किसी मेथड से कर सकते हो, क्यों क्योंकि डायरेक्टली आपका एडिशन फॉर्म में है। सब्स्टिट्यूशन से कैसे करना है, ए एक्स का डेरिवेटिव होगा आपका डी एक्स, तो मुझे ए एक्स का डेरिवेटिव, मुझे ए एक्स का डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है डी एक्स, इज इट क्लियर? ठीक है ओके लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर सेवन वी हैव टू फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रूट एक्स प्लस टू डी एक्स। ठीक है अब यहां पर देखो आप क्या कर सकते हो, यहां पर जब आप सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करोगे तो व्हाट इट विल बी पुट एक्स प्लस टू इक्वल टू टी, जब आप एक्स प्लस टू को टी के इक्वल रखोगे देन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स का डेरिवेटिव करोगे ये तो हो जाएगा वन, टी का डेरिवेटिव करोगे ये हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स, तो फाइनली आपके पास डी एक्स की वैल्यू आ गई डी। जब आप इस सब्स्टिट्यूशन को यहाँ इस इंटीग्रेशन में पुट करोगे व्हाट इट विल बी, ये हो गया एक्स, देखो अगर एक्स प्लस टू टी है कैन आई से दैट एक्स विल बी इक्वल टू टी माइनस टू, एक्स इन टर्म्स ऑफ टी क्या हो जाएगा एक्स की जगह आप रखोगे टी माइनस रूट एक्स प्लस टू, ये हो गया रूट टी और डी एक्स की वैल्यू होगी डी राइट। अब टी रेस टू पावर वन और रूट टी का मतलब आपको पता है कि इसका मतलब टी की पावर कितनी है वन बाय टू, जब बेस सेम होते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं पावर क्या होती है एडअप होती है, तो इट विल बी इक्वल टू t into root t, ये हो जाएगा t raise to power 3 by 2 minus 2 into root t, ये हो जाएगा 2t raise to power 1 by 2 और ये हो गया आपका dt। क्वेश्चन फर्दर आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकते हो, t raise to power 3 by 2 dt minus 2 और t raise to power 1 by 2 dt राइट then now when we integrate it what it will be t raised to power n, अब 3 by 2 plus 1 3 by 2 plus 1 तो ये हो जाएगा आपका 3 by 2 plus 1 हो जाएगा 5 by 2, अब इतने क्वेश्चन कर चुके हो तो मैं डायरेक्टली कर minus 2 t
टी रेस टू पावर वन बाय टू, ये क्या हो जाएगा टी रेस टू पावर थ्री बाय टू बाय थ्री बाय, प्लस में क्या हो जाएगा आपका सी, प्लस में क्या हो जाएगा आपका सी। तो व्हाट विल बी द फाइनल आंसर, फाइव बाय टू को रेसिप्रोकेट करोगे ये हो जाएगा टू बाय फाइव, टी वैल्यू ऑफ टी इज एक्स प्लस टू, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस टू रेस टू पावर फाइव बाय टू माइनस टू। थ्री बाय टू को रेसिप्रोकेट करोगे तो देखो ये टू बाय थ्री होगा, टू टू जा क्या हो जाएगा फोर, तो इसको आप डायरेक्टली फोर लिख सकते हो, इसको आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो फोर। तो टू इंटू टू बाय थ्री ये हो जाएगा फोर बाय थ्री, फिर इस टी की वैल्यू पुट करो ये हो जाएगा एक्स प्लस टू और ये हो जाएगा आपका प्लस सी। तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो इफ एनी डाउट यू कैन वेव योर हैंड इफ इट्स क्लियर देन थम्स अप। सर इसको सेकंड स्टेप समझा दो। सेकंड स्टेप व्हिच वन, ये सबसे इंटीग्रेशन वाला जब t by t 3 by 2 और माइनस वाला ये वाला दिस वन। ओके भाई x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, देखो ये 1 है ये रूट टी है, रूट टी का मतलब क्या नहीं सेट है t की पावर 1 by 2। जब आप t रेस टू पावर 1 को t रेस टू पावर 1 by 2 से मल्टीप्लाई करोगे बेस सेम है तो पावर आपकी ऐड अप होगी, तो 1 plus 1 by 2 कितना हो जाएगा 3 by 2, 1 प्लस 1 बाय 2 ये हो जाएगा 3 बाय 2, और जब आप माइनस 2 को t रेस टू पावर 1 बाय 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे इट विल बी माइनस 2 t रेस टू पावर 1 बाय 2, ये समझ में आ रहा है। फिर x रेस टू पावर ये अब इसको मैंने सेपरेट कर दिया बीच में माइनस है, तो t रेस टू पावर 3 बाय 2 dt और माइनस 2 कांस्टेंट था t रेस टू पावर 1 बाय 2 dt, फिर तो x रेस टू पावर n का इंटीग्रेशन हो गया। एनी क्वेश्चन क्लियर है, चलू मैं आगे। ठीक है ओके लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। वी हैव टू इंटीग्रेट एक्स 1 प्लस 2x स्क्वायर dx। अब यहां पर जब आप सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करोगे तो क्या देखो क्या होगा, देखो ये 2x स्क्वायर है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव करूंगा तो x dx होगा, x और dx, व्हाट आई मीन टू से दैट पुट 1 प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, व्हाट आई विल हैव कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो होगा जीरो, टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका फोर एक्स, ये क्या हो जाएगा आपका फोर एक्स, और टी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा डी टी बाई टी एक्स। अब देखो यहां पर ये एक्स और ये डी एक्स, मैं यहां से एक्स टी एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूँ, एक्स टी एक्स विल बी इक्वल टू डी टी बाई टी, xtx will be equal to dt by 4। तो ये हो गया आपका substitution part। So when we apply all these values in this integration, what I will have root 1 plus 2x square। तो ये हो जाएगा आपका root t। Was 1 plus 2x square को आपने t लिया था। और जो xtx है, x dx, xtx ये हो जाएगा dt by 4। ये हो गया dt by 4 हो गया आपका 1 by 4 आपको आपने इसको भारत। ठीक है अब t रेस टू पावर 1 बाय 2 अभी किया था आपने, ये होगा t रेस टू पावर 1 बाय 2, इसका इंटीग्रेशन करोगे 1 बाय 2 प्लस 1, तो ये होगा 3 बाय 2 अपॉन 3 बाय 2 प्लस c, 3 बाय 2 को रेसिप्रोकेट करोगे 2 बाय ये हो जाएगा 1 बाय 4 इंटू 2 बाय 3, और ये हो जाएगा t रेस टू पावर 3 बाय 2 प्लस c। फर्दर जब आप इसको सॉल्व करोगे your final answer will be equal to 2 1s are 2, 2 2s are 4, that is 1 by 6, and t raised to power 3 by 2, t, what is the value of t here, 1 plus 2x square, 1 plus 2x square raised to power 3 by 2 plus c, and this is the final answer of this question, is it clear? If you have any doubt, then wave your hand. Okay, it's clear. Let's move to the next question.